एक क्वेश्चन क्या था, एक ही क्वेश्चन क्या था ना? यस सर। सर रिप्लाई दिया करो बेटे। ओके, फिर आपने किया कुछ उसमें? यस सर। दूसरा क्वेश्चन कर लिया। दूसरा कर लिया आपने। चलो तो फिर थर्ड से चलते हैं अपन। जी वाह, प्रश्न पढ़ते आनंद आ गया, मुंह में पानी आ गया। एक गुलाब जामुन देखा सबने, खाया भी है सर। खाया भी है। यस सर। अरे वाह, फिर तो मजे मजे, क्या कहना फिर तो, क्या बात, ऐसे खाते रहो। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती। 30% गुलाब जामुन जो होता है ना, उसमें उसके आयतन की 30% तो चीनी की चाशनी होती। ओके, एक मिनट बेटे, एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ, एक गुलाब जामुन है जिसमें आयतन की लगभग 30% तो चीनी की चाशनी है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, बेलनाकार गुलाब जामुन देखा आपने इस प्रकार का, और जिसके सिरे जो हैं अर्धगोलाकार, जैसे कैप्सूल वाला प्रश्न किया था ना वैसे आपने। दो घसे भी है, एक मेरे हो। प्रकार से बेलनाकार होता है और इसके जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, अर्धगोलाकार, जैसे कैप्सूल वाला क्वेश्चन किया था ना पढ़ने, सेम यस सर। वही आकृति बनेगी इसकी। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो इसका कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर। कितनी चाशनी होगी, ठीक है ना, कितने, 45 गुलाब जामुनों में, तो 45 गुलाब जामुनों में हमें चीनी की चाशनी निकालना। तो क्या करना अपने को, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल करके और उससे 30% चाशनी की मात्रा निकालनी है, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बेटे, तो देखिए, गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगी, 5 माइनस क्या घटा देंगे, देखिए इधर दो भी व्यास पॉइंट आठ 2.4 दो इधर और दो दो इंच पॉइंट चार वो 1.4 इधर से, 1.4 इधर, यानी 2.8 घटा दो तो एक। यस सर। कितना बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई कह दो या इसको हाइट कह दो, ये तो 2.2। त्रिज्या 2.8/2, 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। या अब देखिए, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, 45 बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोलाकार भाग का आयतन। भाई दो अर्धगोलाकार भाग है और एक बेलनाकार भाग है, तो बेलनाकार का तो क्या हो गया, 2 पाई आर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, नो सर, पाई आर स्क्वायर हाँ पाई आर स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर। 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, गया एच प्लस 4/3 आर, क्यों
पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ तो बच गया एच, यहाँ दो इंटू दो चार बटे तीन और आर बच गया, क्यूब में से स्क्वायर कॉमन आ गया तो आर ही बचेगा। अब मान रख दो 22 बटे 7 इंटू 2.2 इंटू 2.2 एच कितना है, नहीं सॉरी 2.2 नहीं है 1.4, 2.2 एच है प्लस 4 बटे 3 इंटू 1.4 0.2 आ गया, कितना आ गया 0.2 आ गया। मल्टीप्लाई करो इसको 22 44 4.4 इंटू 1.4 और अंदर क्या हो गया 3 लघुतम आ गया, 3 को इससे गुणा करेंगे 6.6 प्लस 4 को इससे गुणा करो 5.6। मल्टीप्लाई करो इसको 14 × 4 56 हासिल की 5, 56 और 5 61 6.16 इंटू 6 और 6 12 और 6 × 5 = 11 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं हुआ अभी भी, बटे एक मिनट सर की क्लास में चालू कर। अब ये तो क्या है, एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया, किसका आयतन आ गया एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन याद करना आप लोगों 45 45 अतः 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा 6.16 इंटू 12.2 बटे 3 इंटू 45 15 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको 15 × 30 हासिल की 3, 15 × 30 और 3 = 33 हासिल का 3, 15 × 15 = 3 = 18 इंटू 6.16 इससे गुणा करो 6.16 ना। अब देखो एक थोड़ा सा काम करना, आपको इन दोनों को तो करना है गुणा, कर लोगे आप? यस सर। इनको गुणा करने के बाद इसको क्या करना है, दोनों को गुणा करके और इंटू 30% चाशनी आएगी ना, तो 30/100 से जिस इसका जो गुणनफल आए ना उसको 30/100 से गुणा दो। आ गया, मैं एक मिनट, वो मैम की क्लास वो नहीं चल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 cm × 10 cm × 3.5 cm है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 cm है और गहराई 1.4 cm। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। कलमदान कैसा है, घनाभ के आकार का है, ये कलमदान बना हुआ है, ये पेंसिल ऐसे पेंसिल लगी हुई साहब, ओके। अब ये देखिए पेंसिल जो जा रही है अंदर, ये खड्डा जो इसमें किया गया है वो कैसा है, शंकु के आकार का, पेंसिल का जो आगे का जो सिरा है नुकीला सिरा, शंकु आकार कैसा है, शंकु आकार का है कि नहीं है,
भाई जो नुकीला सिरा है वो शंकु के आकार का है। ओके घनाभ के आकार तो खुले में रखने के शंकु आकार गड्ढे बने हैं। चार घनाभ की विमाएं 15 इंच इतनी है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1 मिंचन घनाभ के आकार का हो गया। ठीक है ना, तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो लकड़ी का आयतन के लिए क्या करेंगे हम, घनाभ का आयतन और उसमें से क्या माइनस करेंगे, शंकु के आकार, शंकु का आयतन, शंकु का, शंकु का आयतन, चार इंटू शंकु का आयतन। यस सर, का आयतन अपन उसमें से माइनस कर देंगे। घनाभ की लंबाई तो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5। ठीक है, अब शंकु आकार गड्ढे की त्रिज्या 0.5, 0.5 सेंटीमीटर और हाइट इसकी गहराई कितनी है, इसकी हाइट H1 मान लो और इसकी H2 1.4 सेंटीमीटर। ये ठीक है, तो कलमदान की लकड़ी का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का आयतन इंटू सॉरी माइनस चार इंटू शंकु का आकार, चार इंटू शंकु का आयतन है, का आयतन ठीक है ना, चार इंटू शंकु आकार गड्ढे का आयतन L इंटू बी इंटू एच माइनस चार इंटू 1/3 πr² H1 और ये H2। L क्या है, 15 × 10 × 3.5 − 4 × 1/3 × 22/7। R कितना है इसका, 0.5, 5/10 × 5/10 × 5/10 और H2 14/10 πr² है, वहां पे r 2 बार ही आएगा। हाँ यार, 7 से घट गया 2 आ गया, 5 × 10 2 से 2 कैंसिल, 5 × 10 और 2 से ये 4 कैंसिल, 2 से फिर ये कट गया 5 आ गया। इधर तो कितना हो गया, 15 को इसको 35 को 3.5 से गुणा करो, सॉरी 10 को 3.5 से तो 35 हो गया, 35 को 15 से गुणा करो, 15 × 5 = 75 हासिल की 7 और 15 × 3 = 45 और 7 = 52, तो 525 − 22 × 22 ही रह गया ऊपर, तो और बटे में 3, 5, 3, 15 ये आ गया, 15 लोग तुम ले लो, 15 × 5 = 75 हासिल की 7, 15 × 30 = 37 हासिल की 3, 15 × 75 = 3 −78 − 22, 5 × 2 = 3, 7 × 2 = 5। अब इसका भाग दे लो, आंसर पॉइंटों में आ रहा, कैसे आ रहा है, भाग दो, 15 पॉइंट में ही आ रहे सर। हासिल की 3 बच गए, 35 हो गए, 15 × 2 = 30, 5 × 3 = 53, 15 × 3 = 45, फिर कितने बच गए, 8,
80 हो गया, 80 में वही 5, 75, 5 बज के 50, 15 तीन 45, तो कितना आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। आ गया क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है कि एक शंकु जो है उल्टे कुएं के आकार का है। ऐसे शंकु जो है उल्टे कुएं के आकार का है, राइट, जिसकी ऊंचाई तो कितनी है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी खुले की त्रिज्या कितनी, ऊपरी सिरे की जो खुला हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, क्या पूरा पानी से भरा हुआ है। अब इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है, क्या किया जाता है इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है, वो गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। वो गोलियां डालने पर इसमें से 1/4 पानी जो है इसका बाहर निकल जाता है। तो देखिए कुएं की गहराई 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कुएं में भरे सॉरी बर्तन 0.5, भरे पानी का आयतन पाई आर 0.5 बाईस बटे 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां डालने पर सर, सर हाँ सर, इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर रह जाएगा इसमें, सर इसमें आयतन में, आयतन वाले में सही है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां डालने पर निकले गए पानी का आयतन 1/4 इंटू एक बट ये जो आएगा ना, जो निकले आयतन निकला था इसका 1/4 है, 1/3 इंटू ऊपर 1/4 इंटू बर्तन के पानी का आयतन, जो पानी भरा हुआ इसका 1/4 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो 1/4 से गुणा कर दो तो 1/4 इंटू कितना था 1/3 इंटू 22/7 5 इंटू 5 इंटू 8 चार से कट गया 2 आ गया, तो कितना आ गया 22/7 1/3 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन किसका आ गया, उन गोलियों का जो बाहर निकला पानी है ना, वो आयतन उन गोलियों का yes, जो गोलियां डाली, ठीक है। अब गोलियों की संख्या क्या होगा, गोलियों की संख्या बराबर बाहर निकले पानी का आयतन